के पोस्टर लगाए हैं, क्या आप लोगों की मांग है और क्या चेतावनी आप लोगों ने मंत्री को दी? देखिए, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव हैं, उनको छात्रों के बीच में एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए कि किस तरीके से हम हमारे शहीद लोगों का सम्मान करें, पर वो खुद ही अपमान करने में तुम्हें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तीनों पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, उनके लिए जो उन्होंने कटाक्ष कराया निश्चित रूप से उनकी गोडसे वाली मानसिकता का परिचायक है। और वो बच्चों को क्या सीख देना चाहते हैं ये हमें नहीं पता। हमने मुख्यमंत्री जी से मांग करी उनको तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और तत्काल उनसे इस्तीफा लिया जाए। साथ ही हमने उनके पूरे यूनिवर्सिटी में और सभी जगह इंदौर शहर में पोस्टर लगाए हैं और उन्हें खुली चेतावनी दी है, या तो वो अपने ट्वीट पर माफी मांगे यानी तो कांग्रेस पार्टी उनको इंदौर में घुसने नहीं देगी। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जो ट्वीट उनके द्वारा किया गया वो अमर्यादित था और इसे लेकर कहीं ना कहीं छात्रों में भी गलत संदेश गया? निश्चित रूप से। आप बताइए कि आप क्या उदाहरण पेश करना चाहते हैं? आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, आप कितने स्टूडेंटों को के मतलब वो होंगे, मगर क्या है किस तरह के ट्वीट आप कर रहे हैं और किस तरह की मानसिकता का परिचय दे रहे हैं? और निश्चित रूप से इस तरह का भारतीय जनता पार्टी में सब TRP मंत्री हो गए, ये नरोत्तम मिश्रा जी को देख लीजिए या मोहन यादव जी, मतलब एक से बढ़कर एक ट्वीट करना, एक से बढ़कर एक अनलगल बयान देना ताकि उनकी TRP TV में बढ़ती रहे, पेपरों में बढ़ती रहे, वो इस छपास के रोगी हो गए पूरी भारतीय जनता पार्टी। आपका नाम? मैं विवेक खंडेलवाल, प्रवक्ता, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी।